सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा डिजिटल पर। सो गाइस, ये वीडियो है CUET PG के स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों को जिस चीज़ का इंतजार था, NTA ने वो आपके सामने रख दिया है। यानी वी हैव नाउ द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ NTA फॉर कंडक्टिंग दी CUET PG एग्जाम फॉर द ईयर 2024। सो 2024 के CUET PG के लिए डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं, मोड अनाउंस कर दिया गया है। तो CUET PG साल 2024 का आपका रहेगा कंप्यूटर बेस्ड मोड में, यानी आपको सेंटर एलोकेट किए जाएंगे, आपको अपने रेस्पेक्टिव सेंटर्स पर जाकर एग्ज़ाम देना है इन ऑनलाइन मोड। और सबसे गजब बात, जो इन एग्ज़ाम की डेट आई है, दैट इज़ फ्रॉम 11th ऑफ मार्च टू 28th ऑफ मार्च। तो 11 मार्च और 28 मार्च की डेट दी गई है, इस बीच में ही आपके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ NTA ने अनाउंस ये भी कर दिया है कि आपके रिजल्ट्स विद इन 3 वीक्स अनाउंस कर दिए जाएंगे। यानी अगर हम कहें मिड ऑफ मार्च में एग्ज़ाम चल रहा है, तो अप्रैल फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक, मैक्स थर्ड वीक तक आपके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, और उसके बाद फिर काउंसलिंग एंड एडमिशन का दौर शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, DU का अपना LLB एग्ज़ाम पहले खुद कंडक्ट करती थी DU, उनकी जूरी बनती थी, वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करते थे। बट सिंस 2023 CUET PG में जा चुका है DU। और अगर हम 2023 की बात करें, तो एक बहुत बड़ा चेंज जो CUET PG में रहा, वो ये कि लॉ को सिलेबस से हटा दिया गया था। और इस पर काफ़ी डिस्कशन एंड डिबेट अभी भी चल रही है, इस पर काफ़ी प्रतिक्रियाएं लोगों की आई हैं, काफ़ी फीडबैक्स, काफ़ी कंसर्न्स लोगों ने रेज़ किया कि भाई लॉ का एग्ज़ाम है, लॉ नहीं है। इसको लेकर भी जूरी डिसीजन लेगी कि CUET PG में लॉ को रखना है कि नहीं। अगर इस जब जैसे ही इसके बारे में हमको कुछ अपडेट मिलेगा, विल बी बैक विथ अनदर वीडियो ऑन दैट इज़ वेल। बट एज ऑफ नाउ द थिंग्स आर प्रीटी मच क्लियर, आपका एग्ज़ाम मार्च के महीने में होने वाला है। राइट नाउ वी आर इन सेप्टेम्बर, यू हैव अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फॉर दिस ईयर एंड जैन फेब फॉर द नेक्स्ट। तो कुल मिलाकर 5 से 6 महीना आपके पास रहता है, और आपका CUET PG का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आपको नज़र आने लगेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर CUET PG येट, इट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट विद इट। प्रिपरेशन को शुरू करने का सही समय आ चुका है, अब बकल अप कर लीजिए, रेडी हो जाइए, और एक राइड आपकी अगले 5 से 6 महीने तक चलेगी रिगार्डिंग CUET PG। सबसे पहला और सबसे बेसिक चीज़ ये कि पैटर्न को समझिए एग्ज़ाम के, और सक्सेस मंत्रा इंस्टीट्यूट पर यू विल गेट एवरीथिंग पॉसिबल। आपको रिसोर्सेज से लेकर मोटिवेशन लेक्चर्स से लेकर आपके मॉक पेपर्स और हर एक गाइडेंस आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैनर में मिलेगी, इवन फॉर्म भरने में असिस्टेंस भी। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी चीज़, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन में जा रहे हैं, तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई हम सबसे पहले जिस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता हों। व्हाट द एग्जामिनर डिमांड्स फ्रॉम अस, एग्जामिनर का हमसे एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, बिकॉज दैट वुड हेल्प यू आउट इन स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। अगर आप सामने वाले के माइंडसेट को समझ रहे हो कि वो आपसे क्या पूछना चाहता है, अगर आपको ये पता है, तो क्या आपको पढ़ना है, ये आपको बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो CUET PG के प्रिपेयर करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक पैटर्न समझ लें, रिसोर्सेज कलेक्ट करें, और फिर ऑन द गो स्टार्ट करें चीज़ों को। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको ध्यान देने वाली रहेगी, दैट वुड बी योर, अब अगर हम CUET PG 2023 की बात करें, और CUET 2022 की भी अगर आप बात करो, तो यहाँ पर एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि पहले हम कहें मैथ्स से नहीं आते थे, वो अब देखने को मिल रहे हैं। तो स्लाइटली वो वाला पार्ट जो है मैथ्स का मिस आउट था जो CUET में, वो नज़र आने लगा है, जो DU में नहीं दिखता था। तो मैथ्स का भी एक अच्छा खासा वेटेज आपको नज़र आ रहा है। रीजनिंग आपको कवर करनी है CAGK, वन ऑफ द की सब्जेक्ट फॉर यू, इंक्लूसिव ऑफ पॉलिटी इज वेल, एंड नॉट टू फॉरगेट इंग्लिश। तो सबसे पहले जहाँ से आपको शुरुआत करनी है, वो है आपका इंग्लिश। स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, रीडिंग पे काम करिए, और आप एडिटोरियल्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम कंटेंट के को लेकर बात करते हैं, तो सक्सेस मंत्रा डिजिटल के ही यूट्यूब चैनल पर हर रात 9 बजे आपको सक्सेस मंत्रा करंट अफेयर्स का डेली एनालिसिस देता है, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखा करें। डेली बेसिस पर रात 9 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, आप वहाँ पर डेली बेसिस पर CA कवर कर सकते हो, और उसका अपना एक जॉट डाउन करिए उन पॉइंट्स को, ट्राई टू मेक द नोट्स आउट ऑफ इट, दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। टू डू लिस्ट अपनी प्रिपेयर करिए, वर्क ऑन दोज सब्जेक्ट्स इन विच यू आर नॉट दैट प्रोफिशियंट,
ट्राई टू डेडिकेट टाइम टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक मॉड्यूल बनाने लगेंगे आप, एक रोस्टर आपका बनने लगेगा, तो चीज़ें आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाती हैं। आई वोंट से इट वुड बी अ केक वॉक, केक वॉक तो नहीं होगा, बिकॉज देर इज़ नो मैजिक वॉन्ट, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि हमने घुमाया और सारी चीज़ें हमें आ जाएंगी, बट येस एक हैबिट ज़रूर आपकी बन जाएगी एंड दैट इज़ द फॉरमोस्ट थिंग विच यू नीड टू डू। ये तो पहली बात। दूसरी चीज़, सी ए जी के अलावा इंग्लिश पर रीडिंग का अगर आपका फोकस है, तो क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन में ऑलरेडी हैं, थर्ड ईयर, कई लोग थर्ड ईयर कंप्लीट करके प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास काफ़ी रॉ नॉलेज रहती है। यू जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट द प्लान्स अकॉर्डिंगली, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो इट इज़ द राइट टाइम कि आप रीडिंग स्किल को अपने इम्प्रूव करिए। करंट अफेयर्स के पार्ट के लिए सक्सेस मंत्रा की वीडियो हैं आपके पास। प्रीवियस ईयर के पेपर्स अगर आप देखते हैं, कुछ मॉक पेपर्स आप अगर करेंगे, तो आपको एक आइडिया फेयर लग जाएगा कि भाई किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करने की रिक्वायरमेंट है। मैथ्स के लिए द की टू सक्सेस इज़ गेट ओवर द बेसिक फंडामेंटल्स, उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो एवरेज हो, परसेंटेज हो, रेशियो प्रोपोर्शन जैसे टॉपिक्स हैं उस पर काम करिए। रीजनिंग के लिए इट इज़ एनालिटिकल रीजनिंग, तो एनालिटिकल रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स रहते हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, अल्फाबेट सीरीज हो, या डायरेक्शन सेंस है, ये सारे टॉपिक्स को आपको थोड़ा सा डिटेल में करना होगा, और धीरे 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 आप टिप्स एंड ट्रिक्स पर डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। कभी भी डीयू का पेपर या सीयूईटी पीजी का पेपर टाइम कंसर्न्स के साथ नहीं रहता, वहाँ ये कंसर्न नहीं है कि कम टाइम है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगी। बट येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जितना टाइम देने की ज़रूरत है उतना ज़रूर दें, और इसके लिए प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो पहली नोटिफिकेशन जो हमारे पास आ चुकी है वो ये है कि एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस हो चुके हैं, एग्ज़ाम का मोड अनाउंस हो चुका है, रिजल्ट कब आएगा वो पता चल चुका है हमें। अब इसमें जो भी चेंजेस अब आएंगे, विल हैव सेपरेट वीडियो फॉर दैट टू केटर दैट नीड। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर आपसे बहुत जल्द। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।